आप लाइव है। नमस्कार किसान दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बायो रैशनल नेक्स्ट की इस श्रृंखला में। जैसा कि अभी तक आपने जान लिया होगा और सुन लिया होगा कई अन्य किसान मित्रों से, बायो रैशनल नेक्स्ट एक श्रृंखला है। सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड का ये इनिशिएटिव है जिसका एक उद्देश्य है आप तक बायो रैशनल यानी जो भी ऑर्गेनिक या जैविक उत्पाद है उनके बारे में जानकारी पहुंचाना। अब ये जो जैविक उत्पाद है इनके बारे में जानकारी हम किस तरह से पहुंचाते हैं, हमारे अलग अलग सेशंस होते हैं अलग अलग फसलों को लेकर के भारत के तमाम प्रदेशों में। तो अभी तक हम लोग कई लाख किसानों से जुड़ चुके हैं अलग अलग प्रदेशों में और लोगों ने इस प्रोग्राम की बहुत सराहना की है और हमें काफी लोगों का फीडबैक आया है। काफी किसानों ने हमें बताया है कि बायो रैशनल्स के बारे में जानकर समझकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और वो जरूर ही इस ये जो प्रक्रिया है या ये जो एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है बायो रैशनल्स का, जैविक उत्पाद जिन्हें हम बोलते हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे, उन्हें अपनाएंगे। तो दोस्तों, जैसा हमने इस श्रृंखला का नाम दिया है बायो रैशनल्स नेक्स्ट और साथ ही हमने कहा है कृषि उत्पादन का एक नया आयाम, तो हम हर कड़ी में यही डिस्कस करते हैं, यही वार्तालाप करते हैं, यही बात करते हैं कि कैसे बायो रैशनल्स नेक्स्ट को हम ले जा सकते हैं कृषि उत्पादन के एक नई दिशा की ओर। और आज हमारे साथ इसी कड़ी में जुड़े हुए हैं श्री जसपाल सिंह जी। जसपाल सिंह जी के बारे में आपको बता दूं, सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड से ये काफी समय से जुड़े हुए हैं लेकिन कृषि जगत से इनका रिश्ता और भी ज्यादा पुराना है। जी हाँ, 30 साल से ये कृषि जगत में किसानों की मदद कर रहे हैं, लोगों के साथ हैं, उन्हें बताते हैं अलग अलग उत्पादों का इस्तेमाल ही नहीं, कृषि करने का तरीका ताकि उत्पादन बढ़ सके, ये सभी जानकारी श्री जसपाल सिंह जी अपने किसानों को देते हैं। और जसपाल सिंह जी के बारे में एक बात और बताना चाहूंगी कि ये कृषि जगत से तब से जुड़े हैं जब कपास की फसल में इल्लियों की समस्या थी, काफी समस्याएं थी। इन्होंने देखा है कि बीटी के आने के बाद कपास की फसल में कैसा रेवोल्यूशन आया है, क्या फर्क पड़ा है, क्या असर पड़ा है। तो आज जसपाल सिंह जी जो हमारे साथ हैं, इनसे हमारी विनती है, हमारा आग्रह है कि ये हमें बताएंगे कि बायो रैशनल्स नेक्स्ट, बायो रैशनल्स का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है कृषि उत्पादन को बढ़ाने में। साथ ही साथ बायो रैशनल्स का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, वो ये है कि ये पर्यावरण को बहुत ही सुरक्षित रखते हैं। तो जो हमारी धरोहर है पर्यावरण, उसको हम सुरक्षित रखें ताकि हम आगे आने वाली जनरेशंस को एक अच्छा और स्वच्छ इन्वायरमेंट दे सकें। तो इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे आज हम लोग श्री जसपाल सिंह जी के साथ, और साथ ही है हमारे श्री सागर जाधव। सागर जाधव इज द मैन बिहाइंड बायो रैशनल्स नेक्स्ट द सीरीज। ये आपको एक बार बताएंगे फिर से कि बायो रैशनल्स जो आइडिया है या जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या, और कैसे आप बायो रैशनल्स नेक्स्ट इसको इस्तेमाल करके, बायो रैशनल्स का इस्तेमाल करके कैसे आप कृषि उत्पादन का को बढ़ा सकते हैं। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगी कि यहाँ पर हम सभी सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड के हम सभी कर्मचारियों ने एक प्रतिज्ञा ले रखी है कि बायो रैशनल्स का कॉन्सेप्ट ये आप सभी को बताएंगे और आप सभी को इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे ताकि आप इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकें। तो अब ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगी और आपको लेकर के चलूंगी श्री सागर जाधव की ओर। सागर जी, द स्टेज इज योर्स। बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी। हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी कृषि मित्र यहाँ पे जुड़े हैं, जितने भी हमारे विक्रेता बंधु जुड़े हैं, मैं सागर जाधव सुमितोमो केमिकल की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। जब आपने इस प्रोग्राम का लिंक देखा होगा कि हम बात कर रहे हैं बायो रैशनल्स की, तो ये बिल्कुल नई चीज जो है वो सुमितोमो केमिकल आपको सिखाने जा रही है, आपको बताने जा रही है।
दोस्तों, जैसे कि हमने सुना, गरिमा जी ने आपको बोला कि सुमिटोमो केमिकल हमेशा से ही एक नई तकनीक देने में मतलब जुड़ी रहती है कि कैसे भारत के कृषि को और अच्छे से हम बनाया जा सकता है और कैसे हम अपनी उपज के साथ साथ उपज की जो गुणवत्ता है उसको भी हम कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरह से ले सकते हैं। लेकिन उसी के साथ एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आता है कि जब हम खेती कर रहे हैं और हम जब उपज और गुणवत्ता की बात करते हैं तो वो किस दाम पे हम लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम गलत तकनीक का इस्तेमाल करके अगर वो उत्पादन उपज ले भी रहे हैं तो वो छोटे समय के लिए हो सकता है अच्छा हो, लेकिन लंबे समय तक की अगर बात करें तो वो हमारे खेती के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं हो सकती। और ये जो जमीन है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये हमें हमारे आगे आने वाले पीढ़ियों को भी अच्छे कंडीशन में देना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें बायोरेशनस जो प्रोडक्ट है उसका उपयोग करके फिर से एक बार कुदरत की ओर हमें जाना है और ऐसे उत्पादनों का उपयोग हमारे खेती में करना है जिससे हमारी पूरे वातावरण का, जमीन का जो समतोल है वो बना रहे और अच्छे से अच्छे उत्पादन गुणवत्ता के साथ हम ले सके। दोस्तों, सुमिटोमो केमिकल आपके साथ है इस कड़ी में। जैसे गरिमा जी ने आपको बताया कि हम अलग अलग प्रदेशों में इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे साथ बहुत सारे किसान अभी तक जुड़ चुके हैं, हजारों किसान अलग अलग राज्यों से इस बायोरीजनल नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं और किसानों ने हमें बोला है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो पड़ाव है, एक महत्वपूर्ण चीज है जो सुमिटोमो हमारे लिए कर रही है, तो बहुत सारे किसानों ने हमें धन्यवाद भी दिया। नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों, बायोरेशनल्स होते क्या है? बायोरेशनल एक ऐसे उत्पाद होते हैं जो आपके बायोलॉजिकल या नेचुरल सोर्सेस से तैयार होते हैं, यानी चाहे आप वो कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों के ग्रोथ के लिए अगर कोई इस्तेमाल कर रहे हो, या आपकी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए आप कोई उत्पादन इस्तेमाल कर रहे हो, अगर वो बायोरेशनल यानी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है तो वो आपका बायोलॉजिकल या नेचुरल सोर्सेस से ही बना जाता है। मतलब कुदरत में ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिससे ये जो उत्पाद है वो तैयार होते हैं और इसका महत्व आप समझ सकते हो। दोस्तों, जब ये उत्पाद नेचुरल सोर्सेस से या बायोलॉजिकल सोर्सेस से तैयार होते हैं तो इसमें कोई भी हानिकारक जो कीट है, कीटनाशक है या हानिकारक तत्व है, ऐसे कोई भी उसमें पाए नहीं जाते हैं, बिल्कुल सुरक्षित ऐसे ये बायोरेशनल प्रोडक्ट्स जो है हमारे खेती के लिए होते हैं। नेक्स्ट। तो फिर ये तो है बायोरेशनल, लेकिन फिर सवाल आता है कि हमें बायोरेशनल्स का इस्तेमाल क्यों करना है। दोस्तों, आप सोचो जरा, कुछ साल पहले, जैसे 50 साल 60 साल अगर यहाँ पे हमारे ऐसे किसान होंगे जिनके पिताजी खेती कर रहे होंगे, उस समय अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उस समय का माहौल कैसा था, जमीन की उपजाऊपन कितना था, जो एक एक पूरा जो प्रोसेस होती थी वो कैसी थी। और आज इन 50 सालों में हमने तरक्की तो बहुत कर ली, लेकिन अति ज्यादा केमिकल्स का यूसेज करके हमने बहुत सारे बैलेंस जो है वो बिगाड़ दिए हैं। और जो बैलेंस बिगड़ रहा है उसी का कारण है आपका ग्लोबल वार्मिंग, उसी का कारण है आपका किसी पर्टिकुलर पेस्ट का इन्फेस्टेशन ज्यादा हो जाना, उसी का कारण है हर दिन ब दिन जो है जो फफूंद है उसके अलग अलग तरह के जो है रोग वो आ जाना। तो अगर हम बायोलॉजिकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको वहां पे इकोलॉजी को बैलेंस करने में उसकी सहायता होगी। और ये जो पूरा जो है इकोलॉजी में हम सब लोग आते हैं, हम आते हैं, मानव, पर्यावरण आता है, जमीन आता है, जीव जंतु पशु सब आते हैं। तो अगर हम बायोलॉजिकल्स का उपयोग अच्छे से करते हैं तो एक बैलेंस वहां पे बना रहेगा, उससे हमें काफी चीजों में हम लोग जो है वो चैलेंजेस हमारे कम हो जाएंगे।
दोस्तों हम लोग किसान लोग हैं, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, और हम दुनिया को खिलाते हैं, हमको अन्नदाता कहा जाता है, आपको अन्नदाता कहा जाता है। तो एक अन्नदाता होने पे हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे जो भी लोग हमारे फूड को, फल को, सब्जियों को खा रहे हैं, एक सुरक्षित फल, सुरक्षित सब्जी, सुरक्षित जो धान है वो हम उन तक पहुंचाए, यानी उसमें केमिकल की मात्रा जो है वो बिल्कुल कम रहे और बायोलॉजिकल्स के द्वारा हम लोग ये कर सकते हैं। तीसरा है, ये बिल्कुल टारगेट स्पेसिफिक होते हैं, जिस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम बायोलॉजिकल का इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ उसी कीट को मारता है। आपके पौधों पे बहुत सारे मित्र कीट होते हैं, आपके जमीन में बहुत सारे मित्र कीट होते हैं, अगर आप बायोलॉजिकल्स का इस्तेमाल करते हो तो कहीं पे भी आपको वो मित्र कीट पे नुकसान नहीं होगा। हमने देखा है मधुमक्खी हमारी खेती के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन केमिकल का अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो मधुमक्खी को मार गिराता है। और ऐसा कहा जाता है अगर इस दुनिया से जब आखिरी मधुमक्खी निकल जाएगी उस दिन आपकी खेती खत्म हो जाएगी। ये इसलिए कहा जाता है कि मधुमक्खी का योगदान हमारे कृषि में परागीकरण, पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत बड़ा है। और जब हम ऐसी सब्जियों की खेती में जब ज्यादा केमिकल यूज करते हैं और मधुमक्खियां को नुकसान पहुंच जाता है तो हमारा उपज जो है वो घट जाता है। इसीलिए भी बायोलॉजिकल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये कम्प्लीटली नेचुरल सोर्सेस से बनते हैं, यानी वो कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल है, मतलब पूरी तरह वो नष्ट होते हैं, इसका कोई भी अवशेष पर्यावरण में, पानी में, जमीन में हानिकारक अवशेष नहीं रहता है। जब इसका हम उपयोग कर लेते हैं तो 100% ये डिग्रेडेबल है, 100% ये है जो कह सकते हैं कि नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें बायोलॉजिकल का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आगे तो दोस्तों हमारे पास उत्तर प्रदेश से और पूरे भारत से काफी लोग पहुंचते हैं, कहते हैं कि ठीक है सर, हम तो बायोलॉजिकल्स का बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल के नाम पे हमें कुछ गलत दवाइयां जो है वो मार्केट में उपलब्ध हो रही है। तो बिल्कुल ये प्रोग्राम का एक उद्देश्य ये भी है कि हम आपको जो जेन्युइन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, जैसे सुमिटोमो केमिकल जेन्युइन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाती है, तो इस श्रृंखला का वो भी उद्देश्य है कि हम आपको जेन्युइन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे, जो सुमिटोमो जिसमें वर्ल्ड की लीडर कंपनी मानी जाती है, मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सुमिटोमो केमिकल कंपनी अपने बायोरेशनल प्रोडक्ट के लिए, जो कि जैविक है, ऑर्गेनिक है, उसके लिए ये सबसे बड़ी कंपनी है और बहुत बड़े लेवल पे उसका रिसर्च जो है वो चलता है। तो इसकी वजह से आपको क्या होगा, आप सही बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को जो है वो चुनाव कर सकते हो और आपके खेती में वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज आपको, आप देखते हो कि मार्केट में बहुत ऐसे इलीगल प्रोडक्ट जो है वो बिक रहे हैं जिनको बायो प्रोडक्ट कहा जाता है, लेकिन ध्यान दें, सतर्क रहे, जब भी आप बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का खरीदने जाओ तो वहां उसको दुकानदार को आप पूछिए कि इसका क्या डॉक्यूमेंट है, इसकी क्या गारंटी है, इसका कहां पे ये प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हुआ है कि जिसको आप बायोलॉजिकल कह सकते हो। अगर वो विक्रेता आपको ये दिखा सकता है तभी जाके आप उस प्रोडक्ट का खरीद करो, ताकि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हमेशा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं जो सुमिटोमो के सारे उत्पादन में आपको मिलेगा। नेक्स्ट। तो दोस्तों सुमिटोमो की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया कि सुमिटोमो केमिकल जो है बायोलॉजिकल में वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। तो हम कैसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बने हैं, वो ऐसे ही नहीं बने दोस्तों। सुमिटोमो केमिकल की एक जो कंपनी है अमेरिका स्थित वैलेंट बायोसाइंस, ये कंपनी अपने अलग अलग डिपार्टमेंट में इन बायोरेशनल प्रोडक्ट्स पे बहुत ही बड़े लेवल पे रिसर्च करती है। हजारों एकड़ में फैला हुआ इनके ट्रायल प्लांट्स, इनकी फैक्ट्रीज, इनके रिसर्च सेंटर हमें यही बताते हैं कि आने वाला जो भविष्य है वो बायोरेशनल है, और उस भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ये जो टीम है वैलेंट बायोसाइंस की वो वहां पे काम करती है। और हमें मतलब बताने में काफी हर्ष होता है कि
कि हम इस कंपनी से जो है अपने बायोरेशनल प्रोडक्ट जो है आयात करते हैं, जो आपके कीट जो है उसको पौधों को बचा मतलब कीट नियंत्रण के लिए, आपकी जमीन और उपजाऊ बनाने के लिए तथा आपकी फसल में वृद्धि के लिए, फल फूल लगने के लिए, क्वालिटी उत्पादन लेने के लिए, ऐसे अलग अलग सेक्टर में ये कंपनियों के अलग अलग उत्पादन है जो हमारी सब्जियों के खेती में जिसका बहुत ही महत्व है। नेक्स्ट, तो इसमें आप देखेंगे अभी भारत में 4 ऐसे उत्पादन है जो हर एक किसान हमारा इस्तेमाल करना चाहता है क्योंकि ये बायो रेशनल प्रोडक्ट है और कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, कंप्लीटली बायोलॉजिकल है। उसमें पहला उत्पादन जो है वो नेचर डीप है। भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला ये माइकोराइजा बेस्ड प्रोडक्ट है, पूरी तरह ऑर्गेनिक है, OMRI सर्टिफाइड ऐसा एक उत्पाद है और जमीन में जो जड़ बढ़ने के लिए और जमीन को और उपजाऊ बनाने के लिए ये काम करता है। डाइपेल, जैसे आपने बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी बैगन के बारे में सुना होगा, तो ये जो बीटी तत्व है वो लिक्विड फॉर्मुलेशन में सिर्फ और सिर्फ डाइपेल में उपलब्ध है। भारत में ये एकमात्र ऐसा उत्पादन है जिसमें ये तत्व आपको लिक्विड फॉर्मुलेशन में पाया जाएगा। और सब्जियों की खेती अगर मैं बात करूं, चाहे महाराष्ट्र की हो, कर्नाटक की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, या चाहे आप अन्य हिस्सों की ले लो, अन्य राज्यों की ले लो, सभी एरिया में जहां जहां डाइपेल एक बार किसान डाल लेता है, तो अगर उसको जो भी खेती करनी है सब्जियों की, डाइपेल को वो पहले ही खरीद लेता है क्योंकि उसको पता है डाइपेल के सिवा तो मेरी सब्जी की खेती हो ही नहीं सकती। वैसे ही हमारे प्रोजिप और प्रोजिप इजी जैसे उत्पादन है जो आपका प्रोडक्ट है जो उत्पादन बढ़ाने में, और ना कि सिर्फ उत्पादन बढ़ाने में बल्कि आपकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी को डेवलप करने के लिए काम करते हैं। तो इसके बारे में और जानकारी के लिए मैं यहाँ पे हमारे बड़े एक्सपीरियंस जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के जसपाल सिंह जी है उनको मैं आमंत्रित करूंगा। वो आपको इन सभी उत्पादनों को सब्जियों में कैसे उपयोग करना है, क्या फायदा है, उसके लिए आपको जानकारी देंगे। जसपाल जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले जैसे सागर जी ने बताया कि हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ दोबारा कोशिश कर रहे हैं आने की। सारे लोग ही हम अलग अलग, आप यूपी में सारे शहरों में देखो, अपने रिश्तेदारों में देखो, हर कोई किसान, हर कोई फार्मर ये चाहता है कि जो मैं अपने घर पे खा रहा हूँ वो मैं ऑर्गेनिक खाऊं। वो क्या करते हैं, आप क्या करते हो, जैसे आपके मान लो एक एकड़ ऐसा है, एक एकड़ ऐसा रखते हैं जिसमें कोई भी केमिकल नहीं डालते। वो केमिकल अपने घर में कोशिश करते हैं उसको, गेहूं को या धान को अपने घर में खाएं। कहने का मतलब है कि हर कोई दिल से चाहता है कि मैं केमिकल की खेती को, अभी केमिकल अपने केमिकल की जो वर्तो जो यूज है, केमिकल का जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको कम करें। अपने जो भारत की सरकार है और भी जो संस्थाएं हैं वो भी इस तरफ अभी आगे बढ़ रही हैं और बहुत बड़ा एक आने वाले समय में और 2-3-4 साल में काफी ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से भी और कंपनियां जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी इस तरफ आना शुरू हो गई हैं। तो सबसे जो बड़ा है इस इंडस्ट्री में, जो ऑर्गेनिक दवाइयों में जो सबसे बड़ी कंपनी है, वो आपको जैसे सागर जी ने बताया कि सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड है। ये जापान की कंपनी है। जापान को आप सब अच्छी तरह जानते हो। जापान का नाम हर किसान ने, हर बंदे ने, जो इंडिया का, भारत का कोई भी बंदा है, कोई भी इंसान है, उसने जापान का नाम सुना हुआ है। जब भी हम किसानों के साथ मीटिंग करते हैं, गांव में जाते हैं, जब उसको जापान के बारे में पूछते हैं, वो कहते हैं जी सुना हुआ है नाम। क्योंकि जापान ने जो भी टेक्नोलॉजी पीछे अपने भारत में हम लगातार यूज कर रहे हैं, जैसे सोनी कैमरा है, होंडा मोटरसाइकिल है, जहाँ मारुति कार है, वो सारा जापान की देन है। और जापान के साथ अपना भारत के लोग काफी जुड़े हुए, क्योंकि जापान ने जो भी पहले हमें टेक्नोलॉजी दी वो अच्छी दी, अच्छी चीजें दी। तो किसान भी और आपको भी और हमको भी जापान पे भरोसा कर लेना चाहिए, क्योंकि जापान की जो भी कंपनी है, जो भी देगी प्रोडक्ट वो अच्छा देगी। तो सुमितोमो कंपनी इंडिया, सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड इस तरफ
हम आगे बढ़ा रहे हैं इस काम को, ऑर्गेनिक देसी जो खाद है कह सकते हैं, देसी जो दवाइयां हैं उनको लेके आ रहे हैं, ताकि हम ये नहीं चाहते कि एकदम सारा चेंज हो जाए। एकदम चेंज करना भी, एकदम बदलना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या है देश की, उसको हमने भोजन देना है, किसानों ने भोजन तैयार करना है उनके लिए, लेकिन एकदम अगर आप बदलाव करोगे तो एकदम आप उसको गैप को कवर नहीं कर सकते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने उस तरफ बढ़ना है। मैं आप वही बात कर रहा हूँ, जैसे हमने पिछले 40-50 साल पहले एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया था देश में, उसमें मुझे मैंने सुना भी है, और उस समय क्या कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले होते थे, किसान केमिकल यूज नहीं, केमिकल की यूज अपने खेतों में नहीं करता था, लेकिन एग्रीकल्चर वाले जो डिपार्टमेंट वाले बंदे, वो घर घर जाके 2-2 किलो 5-5 किलो उसके घर देके आते थे कि भाई अपने खेत में डाल के देखो। तो जैसे जैसे उन्होंने डालना शुरू कर दिया, जैसे पहले एक बोरी की रिकमेंडेशन थी, अभी 5-5 बोरी 10-10 बोरी लोगों ने केमिकल लगाना शुरू कर दिया अपने खेतों में। तो उसको हमने कम करना है, पहले हम एकदम उसको खत्म नहीं कर सकते। तो उसी के लिए आपको हम प्रोडक्ट जो बता रहे हैं, उससे आपकी केमिकल की जो आप खेत में देते हो उसकी, जैसे आप 10 बोरी देते हो तो उसका आपकी यूज जो कम हो जाएगा। कोई कई लोग जैसे अभी बैंगन की बात कर रहे थे, आज भी किसानों के साथ थे हम, कई लोग 20-20 स्प्रे बैंगन पे करते हैं, हर तीसरे दिन चौथे दिन करते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि इन जो केमिकल हमारे जो बायोकेमिकल हैं, जो जो आपको हम बता रहे हैं प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हैं, इनसे अपनी स्प्रे की गिनती कम करना, ना कि हम एकदम उसको बंद कर देंगे स्प्रे को और इन प्रोडक्टों को लेके आ जाएंगे, तो उसके लिए हम एकदम उसको नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन आप स्प्रे की गिनती कम कर सकते हो इन दवाइयों को, इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को यूज करके। तो उसके लिए सबसे पहले मैं नेचुरदीप के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। नेचुरदीप जो है हमारा प्रोडक्ट, ये यूनिक एंडोमाइकोराइजा, 4 types of माइकोराइजा इसमें मिक्स हैं। माइकोराइजा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा प्रोडक्ट है इस इंडस्ट्री का, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में। माइकोराइजा ये हमारा एंडोमाइकोराइजा है, जो कि हमने इम्पोर्टेड किया है वैलेंट बायोसाइंस यूएसए से। यूएसए वैलेंट बायोसाइंस जो हमारी कंपनी है वहां से, और ओएमआरआई सर्टिफाइड है। ओएमआरआई एक अमेरिका की वो कंपनी है जो सर्टिफिकेट देती है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को, कि ये प्रोडक्ट 100% ऑर्गेनिक है। जैसे देसी घी होता है और वनस्पति घी होता है, उसमें बहुत फर्क होता है। वनस्पति घी केमिकल होता है और देसी घी सारा घर से दूध से बनता है। लेकिन ओएमआरआई एक ऐसी संस्था है जो प्रोडक्ट को सर्टिफिकेट दे देती है, और उसका सर्टिफिकेट बहुत बड़ी बात है। उसका एक सर्टिफिकेट इसको नेचुरदीप को मिला हुआ है कि ये 100% 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, और आप इसको ऑर्गेनिक के रूप में अपने खेत में यूज कर सकते हो। और ये बहुत बड़ा इंडिया का बिगेस्ट ब्रांड है। और नेचुरदीप है क्या, ये म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है। जैसे मतलब अपने रूट्स जो हैं कार्बन फ्रॉम फंगस, जो कार्बन है वो फ्रॉम रूट फ्लोस टू फंगस, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर मूव टू द प्लांट। वो जो प्लांट की तरफ जो सारे न्यूट्रिएंट हम जमीन में डालते हैं, तो वो प्लांट की तरफ जब जाते हैं तो जो माइकोराइजा उसमें मदद करता है, ताकि वो प्लांट की तरफ ज्यादा से ज्यादा उनको मिल पाए। माइकोराइजा की वजह से, माइकोराइजा के थ्रू वो प्लांट को ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं, जिसकी वजह से अपना जो प्लांट है वो बढ़िया बन जाता है, वो ज्यादा अब्सॉर्ब करता है रूट से जो आप खाद डालते हो, जो आप न्यूट्रिएंट डालते हो, वो ज्यादा उसमें आ जाती है उसकी जड़ों की वजह से। क्योंकि जब माइकोराइजा आप इसमें यूज करोगे तो उसकी एक्सटेंशन हो जाती है, उसकी जो जड़ें होती हैं वो थोड़ा बड़ी हो जाती हैं, उसमें जाला सा बन जाता है जो आपके न्यूट्रिएंट्स को पूरा अब्सॉर्ब करके प्लांट को ज्यादा ज्यादा देते हैं। तो ये इसका माइकोराइजा का जो हमारा जो नेचुरदीप प्रोडक्ट है, उसका हमने रिजल्ट दिखाया हुआ है कि रूट हेयर जो है उसके बिल्कुल ऐसे जाले की तरह बन जाएंगे, आप देख सकते हो इसमें। तो इसमें बहुत बढ़िया तरीके से वो उसको न्यूट्रिएंट को डेवलप करता है। बाकी इसमें थोड़ा डिटेल में सागर जी भी आपको इसमें बताएंगे कि इसका बिल्कुल सही जानकारी आपको हमारे जसपाल जी दे रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हो आपकी जो सफेद जड़ है
वो एक पॉइंट से अपटेक करती है, चाहे वो न्यूट्रिएंट हो चाहे वो पानी है। लेकिन जब हम माइकोराइजा की बात करते हैं, जिसका जो हाइपल नेटवर्क है, वो जो जाला आप यहाँ पे जड़ पे डेवलप होता हुआ देख रहे हो, वो 20-25 सेंटीमीटर तक भी बढ़ सकता है। और इसकी खासियत ये है कि जितना ये जाला डेवलप होगा, वो जितना धागा उसका डेवलप बनता जाएगा, जैसे धागे धागे आप जड़ पे देख रहे हो राइट साइड में, तो ये सभी जगह से अपटेक कर सकता है। मतलब नॉर्मल जड़ में अगर 1% पे हम मान के चलो एक गुना अपटेक होगा, तो नेचर डीप जहां पे आपने सब्जियों में यूज किया है वहां 50 गुना ज्यादा आपके अपटेक पॉइंट होंगे, जहां से न्यूट्रिएंट पानी ये सब कुछ आपके पौधों को मिलेगा और पौधों को उसके साथ ताकत मिलेगी। ये इसका बेनिफिट दिखाया हुआ है नेचर डीप का। इससे क्या होता है, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिएंट अपटेक, यानी कि सारे न्यूट्रिएंट वो जड़ें जो नीचे से लेती हैं, और ड्रॉट टॉलरेंस, जैसे कोई बहुत ज्यादा गर्मी आए बहुत ज्यादा सर्दी आए, उसको ये प्लांट जो है अपने अंदर बर्दाश्त कर लेता है। तो इससे सीडलिंग सर्वाइवल भी पूरा बढ़ता है, जो मान लो सीड आप बीच में पड़े हुए हैं वो लंबा समय तक उसमें सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे हम इसको नेचुरल डीप को जहाँ यूज करते हैं। इसका सॉयल की हेल्थ के ऊपर बहुत बढ़िया पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, सॉयल का स्ट्रक्चर बढ़िया बनता है, सॉयल अच्छी बनती है, क्योंकि जैसे जैसे हम केमिकल यूज कर रहे हैं खेतों में, तो सॉयल जो अपनी जमीन है वो थोड़ी खराब होनी शुरू हो गई है। उसका उसका हमें आज हमने 4 बोरी डालनी है, कल हमें 4.5 बोरी 5 बोरी उसमें डालनी पड़ रही है पैदावार के लिए। तो उस चीज को ब्रेक करने के लिए ये नेचुरल डीप जो हमारा प्रोडक्ट है, इसको आप सब्जियों में, आपने धान में, वीट में और पोटैटो में, हर क्रॉप में आप अगर जड़ में इसका इस्तेमाल करते हो, तो आपकी जो खेत प्लांट की जड़ें हैं वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, इतनी ज्यादा बढ़िया हो जाती हैं, जिससे प्लांट को इजिली जो न्यूट्रिएंट जमीन में होते हैं वो नीचे से मिल जाते हैं। जैसे हम पानी का बोर करते हैं, पानी देखो आप कई बार 20 फुट पे होता है, कहीं 50 फुट पे होता है, कहीं 400 फीट पे होता है, तो हमें उसके लिए हम उसमें बोर करके नीचे लेके जाते हैं पाइप। ऐसे ही जैसे नेचुरल डीप आप डालते हो, जो जड़ें हैं वो लंबी हो जाती हैं। अगर आपके प्लांट न्यूट्रिएंट थोड़े नीचे चले गए, तो नीचे से उठा के वो प्लांट को नेचुरल डीप की वजह से सपोर्ट मिलती है, वो नीचे से उठा के प्लांट को वो सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं। तो इसको आप नेचुरल डीप की एप्लीकेशन है वो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जहां तो आप सीड की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे आपने बिजाई करनी है, क्योंकि जड़ों का जो विकास है, जड़ों का जो ग्रोथ है वो शुरू में होता है, जो फर्स्ट डे होते हैं 20 दिन 25 दिन किसी भी फसल के, उसी में जड़ों का जो विकास है वो जरूरी होता है। उसी में हम नेचुरल डीप की जो है आपको सिफारिश करते हैं कि आप नेचुरल डीप को या तो बीज के ऊपर लगा दो, अगर बीज के ऊपर लगा दो, जहां ड्रिप ड्रेंचिंग करो। ड्रिप ड्रेंचिंग का मतलब होता है कि जैसे आपका जो पंप है उसका आगे नोजल उतार लो, और नोजल उतार के थोड़ा मोटा फुहारा करके उसको आप उसमें ड्रेंचिंग कर सकते हो। बाकी हाथ से ड्रेंचिंग दिखाई हुई है इसमें, कि हाथ से भी आप, जैसे प्लांट छोटे प्लांट हैं जहां थोड़े प्लांट हैं उसमें आप हाथ से भी इसकी ड्रेंचिंग कर सकते हो। ये इसकी डोज लिखी हुई है, हर क्रॉप में हर फसल में अलग अलग इसकी डोज को हमने इस्तेमाल करना है। जैसे टमाटो में 200 ग्राम है 10 दिन के बाद ट्रांसप्लांटिंग के, और वाटरमेलन में 200 ग्राम है, चिलीज में 200 ग्राम है। चिलीज यूपी की सबसे बड़ी एक वेजिटेबल में क्रॉप है, चिलीज में इसका इस्तेमाल हमने रिजल्ट देखे हुए हैं, आपको आगे इसकी फोटोग्राफ भी दिखाएंगे। चिलीज का अभी सोइंग होने जा रही है, जैसे आगरा में अभी सोइंग का टाइम है, अभी सोइंग ट्रांसप्लांटिंग इसकी शुरू हो गई। तो इसमें आप 10 दिन बाद, जैसे ट्रांसप्लांटिंग हो जाती है तो चिलीज में उसके 10 दिन बाद आप इसका 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से अगर इस्तेमाल करोगे, तो आपको रिजल्ट हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप 15 दिन बाद उसको खेत को देखो, उसकी जड़ निकाल के देखो, तो आपको, आप और भी किसानों को उसके बारे में बताओगे। लेकिन ये आपको पता तभी लगेगा जब आप इसको यूज करोगे, अगर यूज नहीं करोगे तो आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये जो ऑर्गेनिक दवाई होती है ना, जो देसी ऑर्गेनिक आप बोलते हो, बायो रेशनल बोलते हैं हम इसको, ऑर्गेनिक दवाई की हम, दूसरी जो दवाइयां होती हैं केमिकल होते हैं जो, उसका हम, हो सकता है कि आपको ये बोले कि ये पता नहीं काम करेगी कि नहीं करेगी, कम करेगी ज्यादा करेगी, और कंपनियों की भी केमिकल आते हैं उससे ज्यादा करेगी, मतलब उसके बारे में आपको पूरी 100 पैसे हम
गारंटी नहीं बोल सकते कि भाई इसकी गारंटी है ये पूरा काम करेगी, लेकिन जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं, जो बायोरेशनल प्रोडक्ट हैं, उनकी हम आपको एक किस्म की कंफर्म करके बता सकते हैं कि भाई इसका 100 पैसे आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप पैसे, जैसे हम कोई कारोबार करते हैं उसमें आप इन्वेस्ट करते हो, आपने 1 लाख लगा दिया, 50,000 रुपया लगा दिया, आपको ये होता है कि मैंने आज 50,000 लगाया है तो मुझे कल को प्रॉफिट मिलेगा, मुझे 1 लाख मिलेगा या 70,000 मिलेगा, ये भी एक आपकी इन्वेस्टमेंट है। इसको आप अगर दवाई की तरह लोगे तो आप इसमें ज्यादा नहीं जा सकते, ये एक आपकी आपकी इन्वेस्टमेंट है खेत में, अगर आप इसको डालोगे तो आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा, और अगर आप जितना इसका खर्चा करोगे उसका आपको खर्चा जो है पैदावार के रूप में आपको वापस मिल जाएगा। ऐसे इसकी डोज जो बनाना में है 400 ग्राम है, 20 दिन बाद ट्रांसप्लांटिंग के बाद बनाना में बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट हैं, ग्रेप्स में इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट है, और आपका पपाया में बहुत बढ़िया है, आगे पोटैटो में, जो पोटैटो है पोटैटो में भी इसकी 200 ग्राम पर एकड़ की डोज है सी ट्रीटमेंट में। जैसे पोटैटो में हम सी ट्रीटमेंट दूसरी वेल्डा से करते हैं और दवाइयों से करते हैं, उसको नीचे खिलार के उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, उसी में आप इसको 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पर एकड़ में जैसे 12 क्विंटल के करीब वो पोटैटो का जाता है, तो उसमें आप स्प्रे कर सकते हो इसकी 200 ग्राम की। ऐसे गिंगन में, टर्मेरिक में, मतलब काफी फसलों में इसकी रिकमेंडेशन है। जैसे ये देखो चिलीज क्रॉप में इसका रिजल्ट दिखाया हुआ है, और ये जहां आप नेचुरली ट्रीट करोगे, ये कोई सिर्फ फोटो में रिजल्ट नहीं है। आप आज मान लो आपके चिली लग रही है, आप उसमें नेचुर डीप डालो, तो नेचुर डीप डालने के बाद आपको 15 दिन बाद 20 दिन बाद आप जब से जड़ निकाल के देखोगे आपको अपने आप ही पता लगेगा कि मैंने कुछ डाला हुआ है खेत में। तो ये आपके देखने का है, जैसे आप इसको हमने ये रिजल्ट दिखाए हुए हैं ये आपको अपने आप अपने खेत में शो होंगे। ये टोमेटो का रिजल्ट है, जैसे ये कंट्रोल प्लॉट है, इसमें हमने नहीं डाला ये नेचुर डीप, इसमें डाला हुआ है, तो इसका रिजल्ट जो है आपको सामने दिख रहा है। इसकी डोज 200 ग्राम है। ये ओनियन में है, ओनियन का रिजल्ट आप देख सकते हो। ओनियन में जैसे नेचुर डीप शुरू में डाला, ओनियन को ट्रांसप्लांट उसके लगाने के बाद उसमें इसका आपको रिजल्ट दिखा। ये नेचुर डीप के बारे में है। इसके लिए आपका कोई भी सवाल हो, कोई आपका क्वेश्चन है, वो आप उसमें बॉक्स में लिख सकते हो, उसका बाद में हम जवाब उसका देंगे आपको। नेक्स्ट इज डाइपल। ये डाइपल हमारा जो प्रोडक्ट है, इसका जैसे मैडम गर्मा मैडम ने बताया था कि बीटी आया था आज से 20 साल पहले, पूरे 20 साल पहले की बातें हैं। ये 2001 में, 2002 में बीटी कॉटन एक आया था पंजाब हरियाणा में। पहले जो क्रॉप है कॉटन क्रॉप मैंने देखा हुआ है, वो समय 20-20 स्प्रे एक फार्मर कॉटन में करता था। कॉटन जो क्रॉप है लगभग ये 150 डेज की, 140 डेज की होती है, और इसमें 90 डेज के बाद स्प्रे शुरू होती है नॉर्मल रूटीन में। लेकिन फार्मर ने शुरू से ही जब 50 दिन की क्रॉप होती थी उसी समय स्प्रे शुरू कर देता था, और कम से कम 20 से लेके 25 स्प्रे डेली 3-4 दिन बाद उसमें स्प्रे होती थी। तो जब बीटी कॉटन आया, बीटी कॉटन आने के बाद एकदम वो स्प्रे जो है सुंडियों के लिए जो स्प्रे होती थी वो बंद हो गई। तो ये जो डाइपल प्रोडक्ट है ये भी एक बीटी है, बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड है। इसमें आपको ये एक लिक्विड बीटी है, इसको आप अगर अपने खेत में अपनी सब्जी वेजिटेबल में स्प्रे करोगे तो वो वेजिटेबल है वो बीटी बन जाएगी, उसको सुंडी नहीं खाएगी उसको। तो उस तरह का ये प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक है 100%। इसके टेक्निकल आप बहुत ज्यादा नहीं जा रहे, लेकिन आपको सीधी भाषा में आप बोल सकते हो कि जैसे बीटी बीटी आने की वजह से सुंडी ने खाना बंद कर दिया कॉटन को, तो ये एक लिक्विड बीटी है। लिक्विड बीटी आपका, इसको आप स्प्रे करोगे अपने क्रॉप में तो ये क्रॉप को सुंडियों से बचाएगा। तो कैसे इसको स्प्रे करना है, कैसे इसको आगे करना है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले इसकी थोड़ी और जानकारी मिस्टर सागर आपको देंगे। सागर साहब, कि आपको ये जानकारी मिली कि ये बीटी उत्पादन है। दोस्तों हमारे जो कीट है, कीट अलग अलग तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं बायोरेशनल्स का उपयोग करके, और जब हम बायोरेशनल की बायो पेस्टिसाइड की बात करते हैं तो
तो डाइपेल का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये अकेला एक ऐसा उत्पादन है जो इल्लियों के अनेक प्रजाति पे काम करता है, अलग तरह के इल्लियों को ये मार गिराता है। तो ये जो बायो पेस्टिसाइड होते हैं उसका एक बहुत ही कुछ मतलब खास उपयोग बेनिफिट हम कह सकते हैं कि होते हैं। एक तो इसकी कोई टॉक्सिसिटी आपके पर्यावरण पे या जो इसका इस्तेमाल कर रहा है उस पे या आपके जो टारगेटेड पेस्ट नहीं है उनमें उनके लिए पूरी तरह ये सुरक्षित होता है। और वहां पे फिर आपको आपके मित्र कीट है, क्योंकि जब हम छिड़काव करते हैं तो बहुत सारी दवाई है जो मित्र कीट को भी मार गिराती है, जैसे मैंने पहले भी बोला। तो डाइपेल का जब आप इस्तेमाल करते हो तो मित्र कीटों के लिए ये सुरक्षित है और जो इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि हमें ये भी देखना होता है जो किसान या मजदूर वहां पे दवाइयों का छिड़काव कर रहा है उसकी सुरक्षा भी एक हमारी जिम्मेदारी है। तो डाइपेल का जब हम इस्तेमाल करेंगे उसके लिए भी, जो उसका उपयोग कर रहा है उसके लिए भी वो सुरक्षित है। उसके बाद बहुत सारे हमारे ऐसे कीटनाशक है, आपने कई बार सुना होगा कि जब उसका उपयोग हम करते हैं और उपयोग करने के बाद उनका जो रसायन है वो पानी में मिक्स होता है और पानी को दूषित करता है। तो डाइपेल का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी कोई भी समस्या आपको होगी नहीं और बिल्कुल पर्यावरण में या पानी में वो कभी मिक्स नहीं होगा और पानी को दूषित जो है वो नहीं करेगा आगे। उसी के साथ साथ जब हम बायोलॉजिकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ दवाइयां ऐसी होती है उनका मतलब जब हम छिड़काव करते हैं तो स्कॉर्चिंग आ जाना, फसल को खराब कर देना, पत्ते लाल पड़ जाना, ये ऐसे साइड इफेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं। लेकिन डाइपेल में अगर इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट आपको नहीं दिखाई देता। उसके साथ साथ दोस्तों हमारे कई ऐसे किसान हैं जो बिल्कुल परेशान है एक चीज से कि कोई भी दवा हमारी काम नहीं कर रही है। तो जो इलिया है, जो सुंडी है, वो सुंडी में एक रेजिस्टेंस वहां पे डेवलप हो चुका है। आप याद करो पहले 5-10 साल पहले का टाइम, जब आपने कोई दवा 1 ml से भी इस्तेमाल की तो पूरी सुंडी खत्म हो जाती थी। आज वो 1 ml से 5-5 ml तक डोज चली गई, लेकिन आज फिर भी उतना रिजल्ट नहीं। तो क्या हुआ, जब भगवान ने सबको ही जीवन दिया है तो उसमें पर्यावरण के साथ साथ बदलने की क्षमता भी दी है। जब लगातार आप किसी दवाई का इस्तेमाल करते हो तो ये जो सुंडी है वो अपने शरीर को कुछ ऐसा बदलाव कर देती है कि वो सारी दवाइयां फिर आपकी वहां पे काम नहीं कर पाती। लेकिन मित्रों डाइपेल जो है वो आपका वहां पे ऐसा कोई रेजिस्टेंस सुंडी बना नहीं सकती। जैसे ही डाइपेल का छिड़काव होगा तो वो सुंडी जो है वो खत्म हो जाएगी और कोई भी आपका इसका जो बोल सकते हैं हानिकारक कोई उसका चीज तत्व वहां जमीन पे नहीं छूटेगी। तो इस तरह हम अगर डाइपेल का उपयोग सब्जियों में करते हैं तो पूरी तरह सुरक्षित वे पे हम लोग अपनी फसल को ले सकते हैं। डाइपेल इसमें जैसे अभी आपको ये बताया कि इसमें बीटी है और ये डाइपेल को हम बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड बोल सकते हैं। इसमें नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जरा जो लार्ज नंबर ऑफ कैटरपिलर्स को कंट्रोल करता है। जितने भी सुंडियां, मैक्सिमम सुंडियां जो अपने क्रॉप में होती हैं फसल में, उनको ये काबू करता है, उनको कंट्रोल करता है। जैसे आप अभी बैंगन में बहुत ज्यादा स्प्रे हो रही हैं और सब्जियों में बहुत ज्यादा स्प्रे होती हैं, जैसे सागर साहब ने बताया कि हम डेली स्प्रे 4-5 दिन के बाद स्प्रे कर रहे हैं क्योंकि रेजिस्टेंस आ चुका है उसका। तो इसलिए अगर आप रेजिस्टेंस को तोड़ना है तो आप बीच में एक स्प्रे डाइपेल की उसमें कर सकते हो तो आपका वो स्प्रे की गिनती कम हो जाएगी। जैसे आप को किसी दवाई का आपको रिजल्ट मान लो 5 दिन मिल रहा है, अगर डाइपेल का आप बीच में उसमें लगाते हो तो आपका रिजल्ट की दिन बढ़ जाएंगे जिससे आपकी स्प्रे की गिनती कम हो जाएगी। तो उसमें डाइपेल का हम जो मेन आपको बता रहे हैं इसका बेनिफिट क्या है कि ये मतलब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, जैसे फीड करता है उसमें, जैसे फीड होगा तो प्रोसेस है, आउटकम है, तो लार्वा जो है स्टॉप कर देता है फीडिंग करना इसके। जब जैसे हम इसको डाइपेल को यूज करते हैं तो लार्वा इसको जो सुंडी है वो खाना बंद कर देती है। आपको जैसे ही इसकी स्प्रे करोगे आपको एकदम सुंडी इस पे इससे कंट्रोल होती नहीं मिलेगी जैसे आप केमिकल यूज करके करते हो। तो आप इसकी जब जैसे ही डाइपेल की स्प्रे करोगे तो जो सुंडी के जिसके ऊपर ये पड़ेगी दवाई, जिसको ये टच करेगी दवाई, वो सुंडी
खाना बंद कर देती है और 2-3 दिन के बाद वो सुंडी जो है अपने आप वहां खत्म हो जाती है। तो इसका टाइम ऑफ एप्लीकेशन क्या है, इसके मतलब तीनों सीजन में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इसको अर्ली सीजन में इस्तेमाल करना है, जैसे आपकी क्रॉप अभी कोई भी वेजिटेबल आप लगा रहे हो वो शुरू की अवस्था में है, अभी 20 दिन की 25 दिन हुए हैं उसको थोड़ा लगे हुए, तो उसमें आप अर्ली अर्ली टाइम पे हम इसको सिफारिश करते हैं कि आप अकेला डाइपर यूज करो। अकेले डाइपर की आप 700 ml तक डोज जो है 1 एकड़ में लगा सकते हैं, और एक अकेला डाइपर अगर आप यूज करोगे तो ये आपका जो स्मॉल लार्वा है, जो छोटी सुंडी है, उसको पूरी तरह से कंट्रोल करेगा और आपकी फसल जो है आगे तक बची रहेगी। अगर आपका मिड सीजन चल रहा है तो उसमें आप डाइपर को टैंक मिक्स पार्टनर के तौर पे यूज कर सकते हो, जो आप और दवाइयां और केमिकल यूज करते हो, क्योंकि हम एकदम चेंज नहीं कर सकते उसको क्रॉप को या आपके एरिया को, उसमें डाइपर आप मिक्स कर सकते हो 300 ml की डोज में, जो भी आप पेस्टिसाइड जो आप स्प्रे कर रहे हो उसमें फसल में, उसके साथ आप डाइपर को मिक्स कर सकते हो टैंक में। और लेट सीजन में क्या है, डाइपर हैव द शॉर्टेस्ट री एंट्री एंड प्री हार्वेस्ट इंटरवल। क्योंकि लेट सीजन में हम क्यों सिफारिश करते हैं इसकी, क्योंकि लोगों ने, कई किसानों ने वो जो फसल है जब वो पक जाती है फसल, तो उसको बाहर एक्सपोर्ट करना है, जहाँ मार्केट में बेचना है, जहाँ हमने खाना है उसको, तो उस समय जो अगर डाइपर का इस्तेमाल करोगे तो आपकी फसल जो है सेफ रहेगी खाने वाले के लिए, और अगर आपने एक्सपोर्ट करना है तो उसमें जहर की मात्रा जो है वो नहीं आएगी अगर आप लेट सीजन में डाइपर का इस्तेमाल करते हो लास्ट में आके। तो डाइपर का आप तीन टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हो, शुरू में, मिड सीजन में, लेट सीजन में। डाइपर एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक किसान जो मैंने सुना है कि एक फार्मर था, उसने जैसे पीछे लॉकडाउन लगे तो एक फार्मर डाइपर की, उसको किसी ने बताया डाइपर के बारे में, उसने रेगुलर अपने घर पे खेती की हुई थी गोभी की, तो रेगुलर वो डाइपर यूज करना शुरू कर दिया उन्होंने, और कोई भी केमिकल यूज नहीं किया। तो जैसे लॉकडाउन लगा तो उनको डाइपर जो मिला नहीं मार्केट से, तो उन्होंने स्पेशल कंपनी का नंबर लेके कंपनी से फोन किया कि मुझे डाइपर चाहिए। तो डाइपर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो घरों में, आप घर में अगर आपके सब्जी लगी हुई है तो आप बेशक इसको अकेले को रेगुलर यूज करो, तो ये ऑर्गेनिक है 100% और आपके फसल को बचा के रखेगा इल्लियों से, कीड़ों से पूरी अच्छी तरह से बचा के रखेगा। इसका आप तजुर्बा कर सकते हो अपने घर से भी, उसमें आपको इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। डाइपर इसके बेनिफिट डाइपर के आपको बता रहे हैं, इसकी कंजिस्टेंट परफॉर्मेंस है। कंजिस्टेंट परफॉर्मेंस होता है कि इसमें कभी भी रेजिस्टेंस नहीं आएगी कि आज आपको मैं इसकी डोज बता रहा हूँ 700 ml बता रहा हूँ, आने वाले 2 साल में इसकी डोज जो है बढ़ जाएगी। ये कंजिस्टेंस रहेगा, ये परफॉर्मेंस इसकी स्टेबल रहेगी, जैसे आप इसको इस्तेमाल करो आज कर रहे हो वैसे आपने बाद में इसकी डोज को उतना ही करना है, ठीक है। इसकी बेस्ट फिटमेंट है फॉर रोटेशन, ये बहुत बड़ा पॉइंट है रोटेशन वाला। जैसे आप खेत में 10 स्प्रे कर रहे हो तो आप 10 स्प्रे में से 2 स्प्रे इसकी बीच में ऐड कर लो तो आपकी स्प्रे की गिनती कम हो जाएगी। आप इसको तजुर्बा करके देखना, आपकी स्प्रे की गिनती जो है वो 2-3 स्प्रे आपको कम करनी पड़ेंगी उस खेत में जिसमें आप डाइपर का इस्तेमाल करोगे। तो इसका ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये अपने इंसान के लिए बिल्कुल सेफ है। इसका कैबेज पे सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट डाइपर इस समय इंडिया में जा रहा है, बिक रहा है, अपने यूपी में बहुत कम बिक रहा है, ये बहुत कम एरिया में इसकी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन दूसरी स्टेट में ये सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट इस समय बिक रहा है, ये डायमंड ब्लैक मॉथ एक कीड़ा आता है गोभी में, उसमें DBM बोलते हैं उसको, उसमें इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट हैं, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका जैसे डायमंड ब्लैक मॉथ का लाइफ साइकिल होता है, ये कम से कम 20-21 दिन का होता है, तो इसमें शुरू में इसका जो लार्वा स्टेज होती है उसमें बहुत ज़्यादा इसका नुकसान होता है। तो जैसे ही आप इसका डाइपर का इस्तेमाल करोगे तो आपके खेत में डायमंड ब्लैक मॉथ जो है वो पूरी तरह कंट्रोल होता है। डोज इसकी 300 ml है। टाइम ऑफ एप्लीकेशन फर्स्ट इंस्टार स्टेज अर्ली इन्फेस्टेशन, जब जैसे शुरू होगा उसमें गोभी में, तो आप इसकी 300 ml डोज के हिसाब से
इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने इसको 700 ml नहीं बोल रहा, गोभी में अगर आपके डायमंड बैक मौत है उसमें सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आज की डेट में जो इंडिया में है, इसमें एक तो सेफ रहेगा जी, आपकी क्रॉप में कोई केमिकल नहीं जाएगा, एक आपको सुंडियों से इसके डीबीएम से बचा के रखेगा। डीबीएम एक बहुत खतरनाक कीड़ा है गोभी का। ये टोमेटो में इसके रिजल्ट दिखाए हुए हैं, टोमेटो में इसकी एप्लीकेशन 300 ml है पर एकड़। टाइम ऑफ एप्लीकेशन फर्स्ट इन स्टार स्टेज अर्ली इन्फेक्शन जैसे शुरू होता है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप टैंक मिक्स करना है तो आप इसको हमारे जो और प्रोडक्ट आते हैं मियोथ्रिन एंड एसपी आता है सैनवेक्स एसपी, सुमिताज एसपी, ये प्रोडक्ट आप साथ में मिला के इनकी स्प्रे कर सकते हो टोमेटो के लिए। जी मैंने टोमेटो के लिए आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। टमाटर में अगर आपके सुंडी है, ये नया सुंडी का एक ट्यूटा एब्सोल्यूटा, ये नया एक नई सुंडी एक आई है उसमें प्लांट के ऊपर आना शुरू हुई है, उसके लिए जो कंपनी की सुमिटोमो की सिफारिश है कि आप अगर डाइपल का इस्तेमाल करोगे आपको बढ़िया उसके रिजल्ट मिलेंगे। ये चिलीज के ऊपर दिखाया हुआ है, चिलीज के ऊपर स्पोरोप्टेरा आता है और भी सुंडियां आती हैं चिलीज के ऊपर सारी, तो उसमें भी हम इसको टैंक मिक्स के लिए सिफारिश करते हैं कि आप डाइपल को जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, जहाँ हमारा एक मियोथ्रिन के नाम से प्रोडक्ट आता है उसमें आप 300 ml इसकी एज ए टैंक मिक्स इसको स्प्रे कर सकते हो। ऐसे ही ब्रिंजल में है, ब्रिंजल में फ्रूट एंड शूट बोरर पे हम इसकी सिफारिश करते हैं और इसके लिए हमारा बहुत बड़ा प्रोडक्ट जो पॉपुलर है जो केमिकल है, मैं अब फिर बोल रहा हूँ क्योंकि हम एकदम चेंज नहीं कर सकते इंडस्ट्री को, एकदम आप मार्केट को चेंज नहीं कर सकते, आहिस्ता आहिस्ता आप उस तरफ बढ़ सकते हो। तो उसमें हमारा एक सुमी प्रिंट के नाम से प्रोडक्ट आता है, उसके साथ आप डाइपल को मिक्स करके आप लगा सकते हो। सुमी प्रिंट को लोग काले घोड़े वाली भी दवाई भी बोलते हैं, उस पर ब्रांड है उसका, उसके ऊपर काला घोड़ा बना हुआ है, तो बैंगन के लिए बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है वो भी हमारा। लेकिन आने वाले समय में हमें बायो प्रोडक्ट की तरफ जाना है, लेकिन एकदम आप उसमें नहीं जा पाएंगे, तो हम इसको सिफारिश करते हैं कि आप इसको टैंक मिक्स सुमी प्रिंट के साथ इसको यूज करो डाइपल को, तो आपको बैंगन में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा इस सुंडी पे। उसके बाद जो वेजिटेबल में हम कोई भी आपकी वेजिटेबल है घर पे आप यूज कर रहे हो, उसमें जो हर तरह की सुंडियां आती हैं, अमेरिकन सुंडी भी आती है, स्पोरोप्टेरा भी आती है और भी सुंडियां उसमें इल्ली बोलते हैं आप, इल्ली आती है, तो उसमें आप एक हमारा डाइपल प्लस सुमी प्लेयो का कन्फर्म मिक्सर आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो, आपको बहुत बढ़िया उसके रिजल्ट मिलेंगे, हर तरह की सुंडी पे इसका कंट्रोल मिलेगा। इसका भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप उसमें बॉक्स में लिख सकते हो, बाद में मिस्टर सागर आपको उनके पूरे जवाब देंगे। उसके बाद जो हमारा तीसरा प्रोडक्ट है वो प्रोजिब इजी है। प्रोजिब इजी बहुत बड़ा एक कंपनी का बहुत बड़ा प्रोडक्ट है इंडिया में और पिछले कई सालों में हम प्रोजिब और प्रोजिब इजी दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो बेच रहे हैं। प्रोजिब इजी के बारे में अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड का बेस्ट ग्रैनुलर फॉर्मुलेशन इन जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड वर्ल्ड हमारा बहुत बड़ा एक टेक्निकल है दुनिया का, उसमें सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट है फॉर्मुलेशन हमारी है वो प्रोजिब इजी की है। ये सुमिटोमो केमिकल का पेटेंटेड मॉलिक्यूल है, पेटेंट करवाया हुआ है कंपनी ने, और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है जो हमारा पहले प्रोजिब आता था वो सीधा पानी में नहीं आता है अभी भी, लेकिन वो सीधा पानी में घुलता नहीं है। प्रोजिब इजी अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ये डायरेक्टली सॉल्युबल पानी में सीधा घुल जाता है, तो इसको आप सीधा पानी में प्रोजिब इजी को घोल सकते हो। तो इससे क्या होता है आपका जो अपटेक होता है रूट उसका बढ़ जाता है रूट्स का, जिससे उसको क्रॉप मतलब बहुत बढ़िया आपकी क्रॉप हो जाती है। अलग अलग क्रॉप में इसकी अलग अलग डोज है, कैसे उसको यूज करना है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है वो मैं आपको आगे इस स्लाइड में नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। इसके लिए सबसे एक वो लास्ट में जो पॉइंट लिखा हुआ है कि ये चीपेस्ट पीजीआर है भारत का, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अगर आप यूज करते हो दुनिया में कोई भी
फार्मर कोई ना कोई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज करते हैं, आप दुकान से मिलता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, अगर आप उसको रेट को आप कंपेयर करोगे तो आपको ये सबसे सस्ता जापान की कंपनी का सबसे सस्ता आपको चीपेस्ट पीजीआर ये महसूस होगा जैसे आप इसके रेट को कंपेयर करोगे। तो इसकी फॉर्मुलेशन जो है बहुत बढ़िया है, एकदम पानी में घुल जाएगी जैसे आप देख रहे हो उसमें। तो इसको हम अलग अलग क्रॉप में लगा सकते हैं, ये प्रोजीबीजी को आप अलग अलग फसलों में इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोजीबीजी से क्या होता है, ग्रोथ होती है प्रोडक्ट की। प्रोजीबीजी में जिब्रेलिक एसिड है जो कि एक हार्मोन होता है, हार्मोन हर क्रॉप को इस हार्मोन की बढ़ने के लिए जरूरत होती है। जैसे हम इस हार्मोन को ऊपर से स्प्रे करते हैं तो वो क्रॉप बढ़ जाती है, जिससे फार्मर सेटिस्फेक्शन जो आपकी होगी किसान की वो बहुत बढ़िया होती है, उसमें आपकी क्रॉप की पैदावार बढ़ जाती है। तो इसको हम मक्की में सिफारिश करते हैं, जैसे आपने मेज लगाया हुआ है उसकी सोइंग को आपके 25 दिन हो गए हैं, तो हमारी प्रोजीव इजी को आप 12.5 ग्राम पर एकड़ में इसका स्प्रे करना है। अगर आप इसका स्प्रे कर दोगे तो बहुत बढ़िया उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। आप उसका 10 दिन बाद 5 दिन बाद आपके खेत दिखेगा कि आपके खेत में कुछ इस्तेमाल हुआ है। इसका मेरा पर्सनल अपना भी एक तजुर्बा है, जैसे एक ईंटों का भट्ठा होता है गांव में, कई बार ना ईंट निकालते हैं उसमें से, खेत में से जो भट्ठे वाले होते हैं। तो एक बार एक फार्मर ने उसमें मक्की लगा दी उसके उस खेत में, तो मक्की जो है ग्रोथ नहीं हो रही होती। तो जैसे उसने इसको प्रोजीबीजी को इस्तेमाल किया तो 10 दिन बाद वो मक्की जो है सारी एकदम बढ़ गई और सारा गांव देखने आया कि ये क्या डाल दिया जिससे इतना बड़ा उसका ग्रोथ हो गया। तो ये प्रोडक्ट जब तक आप देखोगे नहीं, जब तक आप अपने खेत में इस्तेमाल नहीं करोगे तो बातों से कोई इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप इसको एक पुड़िया लेके आओ, 12.5 ग्राम की आपको मार्केट से एक पुड़ी मिलेगी, 12.5 ग्राम की जो इसकी पैकिंग आती है, डिब्बी में नहीं आती, ये पुड़िया में आती है। तो आप इसको इस्तेमाल करके देखो एक एकड़ में, तो आपका मेज जो है मक्की जो है वो आपको 2-3 दिन में दिखेगा कि आपके बहुत बढ़िया उसका ग्रोथ हो गया और बहुत बढ़िया वो बन गई मक्की। ऐसे ही आप ग्राउंड नट में आज मूंगफली की फसल भी बहुत बढ़ रही है, अभी यूपी में जैसे फरुखाबाद एरिया में थे हम आज, वहां पर बहुत बड़ा इस समय मूंगफली का एरिया बढ़ रहा है, उस पर भी आप इसको 12.5 ग्राम की डोज पे इस्तेमाल कर सकते हो। और कॉटन में इसका 5 से लेके 12.5 ग्राम तक का उसकी उसके हिसाब से कि उसकी कितनी उम्र है कॉटन की, उसके हिसाब के जैसे 20 दिन के बाद, 40 दिन के बाद, 60 दिन के बाद आप इसकी डोज जो है उसी हिसाब से थोड़ा बढ़ा के 5 से लेके 12.5 ग्राम तक कॉटन खेत में, नरमे के खेत में आप इसको इस्तेमाल करो, तो वो क्रॉप जो है आपको अलग दिखेगी जैसे आप इसका इस्तेमाल करोगे। ऐसे ही प्रोजीबीजी की डोज चिलीज में 5 ग्राम पर एकड़ है। प्रोजीबीजी के बारे में अगर आप सारे समझ रहे हो तो इसकी हर फसल में अलग अलग डोज है, तो इसलिए अलग अलग मात्रा हर फसल में लगती है, तो इसमें बहुत ध्यान रखना है, गलत अगर आपने मात्रा यूज करोगे तो उसका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। तो इसलिए गलत इसकी डोज को इस्तेमाल नहीं करना, जैसे हम बता रहे हैं चिलीज में इसकी 5 ग्राम पर एकड़ ही यूज करना है इसको। और मक्की में मैंने बताया आपको, मक्की में 12.5 ग्राम है, ग्राउंड नट में 12.5 ग्राम है, नरमे में, कॉटन में आप इसको 5 ग्राम से लेके 12.5 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हो। और जो आपने ये इसमें मैंने बताया चिलीज में, इसमें आपको 5 ग्राम डोज इस्तेमाल करना है। ऐसे ही मेंथा में भी इसकी 5 ग्राम की डोज है, उसमें आप इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट मिलेंगे। टमाटर में, टमाटो में इसकी 5 ग्राम की डोज है, ब्रिंजल में इसकी 5 ग्राम की डोज है। तो इसमें कभी भी गलती नहीं करना। कई बार दुकानदार बहुत बिजी होते हैं, दुकान पे आप जाते हो प्रोजीबीजी लेने, तो आपने प्रोजीबीजी मांग ली, उसने दे दी, आपने उसको अच्छी तरह पूछना है भाई मेरे इस क्रॉप में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें क्या डोज है। जहाँ आपको पूरी तरह डोज उसकी मालूम है तभी आप उसको लेके आए, नहीं तो कंपनी के प्रतिनिधि जो हमारे हैं उनसे आप इसका डोज का उस समय दोबारा पूछ सकते हो। तो 5 ग्राम इसकी डोज जो है टोमेटो में और ब्रिंजल में 5 ग्राम जाएगी, ओनियन में इसकी 12.5 ग्राम की डोज है, और कैबेज में इसकी 5 ग्राम से लेके 10 ग्राम तक डोज आप लगा सकते हैं। बोले टाइम ऑफ एप्लीकेशन इसके 2 स्प्रे हम गोभी में, कैबेज में स्प्रे
दो स्प्रे की सिफारिश करते हैं। एक तो फर्स्ट स्प्रे 20% जब साइज बन जाता है उसका, सेकंड स्प्रे 50% साइज जब बड़ा हो जाता है कैपेसिटी। तो ये जो आपको हमने तीनों प्रोडक्ट बताए हैं उसको आप अगर थोड़ा सा रिपीट करें तो ये तीनों प्रोडक्ट आपकी खेती को, आपके जो क्रॉप है उसको बचा के रखेंगे केमिकल यूज। आहिस्ता आहिस्ता आगे आप इसको केमिकल की यूज जो है वो कम करोगे। ये जो प्रोजीव ईजी है इसका हमने पिछले साल दो साल से हम इसका रिजल्ट देख रहे हैं। पोटैटो पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे पोटैटो आपका पोटैटो की आपने खुदाई करनी है तो उससे एक महीना पहले हम इसकी सिफारिश करते हैं कि आप इसको 5 ग्राम एक महीना पहले, 5 ग्राम 15 ग्राम पहले, 15 दिन पहले, तो ऐसे आप इसको दो स्प्रे में पोटैटो में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने दो नहीं करनी तो एक स्प्रे में आप इसकी कर सकते हो, लेकिन कंपनी की तरफ से सिफारिश है कि एक महीना जब आपका खेत की खुदाई में रहता है पोटैटो की तो आप इसका प्रोजी बीज का इस्तेमाल करो। इससे आपके वो आप पोटैटो का राशन बढ़ जाता है और किसान की सेटिस्फेक्शन, जो जिन किसानों ने पिछले सालों में इसको लगाया हुआ है पोटैटो में, उनको बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट मिले हैं। और इसका आप अभी जैसे धान लगना शुरू हो गया तो धान में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो प्रोजीव का 12.5 ग्राम पर एकड़ का, लेकिन उसमें हम इसको सिफारिश करते हैं छट्टे में कि आप इसका उसमें ब्रॉडकास्ट करें, इसको थोड़ा पहले पानी में मिक्स कर लें, फिर उसको मिट्टी में मिक्स करके, फिर उसको खाद में साथ में मिक्स करके आप धान में अगर इसको लगाते हो तो धान की जो पैदावार है वो भी बढ़ेगी और धान का फुटवार बढ़ जाएगा। शुरू में आपको और कोई पीजीआर और कोई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की थैली आप लेके आते हो बाजार से, और कोई थैली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसका तजुर्बा करोगे। 12.5 ग्राम पर एकड़ में आपने इसको इस्तेमाल करना है। बाकी तीनों प्रोडक्टों में ब्रीफ में अभी सागर साहब आपको और इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। मिस्टर सागर, बहुत बहुत धन्यवाद जसपाल जी, आपने हमारे मतलब हमारे क्या सबके उत्तर प्रदेश के किसानों को काफी अच्छी जानकारी अपने सुमितोमो केमिकल के जो बायोरेशनल्स प्रोडक्ट है जिसको जेन्यूनली ट्रूली बायोलॉजिकल्स कहा जा सकता है उसकी जानकारी आपने दी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मुझे लगता है समय देखते हुए हमें क्वेश्चंस अगर किसी किसानों के है तो मुझे लगता है वो हम ले लेते हैं, एक एक करके क्वेश्चन उनके आंसर देते हैं, और भी अगर किसानों को कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। गरिमा जी, अभी हम एक एक करके क्वेश्चन लेना चालू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जसपाल जी आपका और सागर जी आपका इतने अच्छे डिस्कशन के लिए। और अभी कुछ सवाल हमारे पास आए हुए हैं लोगों से। यहाँ पर राहुल जी का एक सवाल आया है, उन्होंने कहा है कि नेचर डीप का इस्तेमाल आलू की फसल में उन्होंने किया था, उनको परिणाम काफी अच्छे मिले हैं, लेकिन अगर रेगुलरली कैसे इस्तेमाल करना है, क्या उसका प्रक्रिया क्या है, वो इस्तेमाल की जानकारी वो चाहते हैं। राहुल जी, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आपके, आपने आलू के फसल में नेचर डीप का उपयोग करके देखा और उसके परिणाम आपको काफी अच्छे लगे। देखिए रेगुलरली जैसे मैं नेचर डीप की अगर बात करूं तो ये इसमें जो माइकोराइजा है उसके माइकोराइजा के स्पोर्स हम बोलते हैं, माइकोराइजा के बीज हम बोलते हैं, एक्चुअली इस बीज को हम सॉइल में इम्प्लांट कर रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं। अब ये जो बीज है वो आपके जड़ पे डेवलप होना चालू होता है और एक जो मैंने कहा कि ये जो जाला है वो एक कक्षा जो जड़ों की है वो बढ़ाने में काम करता है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो तत्व है माइकोराइजा ये हमारे जमीन में नया है। जब हम ऑर्गेनिक खेती किया करते थे, जब केमिकल बिल्कुल यूज नहीं करते थे, तो ये जो तत्व है माइकोराइजा वो पहले से ही जमीन में पाया जाता था। लेकिन अभी जैसे हम रासायनिक खेती की तरफ बढ़ गए हैं तो धीरे धीरे करके माइकोराइजा का जमीन में जो स्टोरेज है, जो प्रमाण है, वो बिल्कुल कम हो गया। तो इसीलिए फिर से एक बार हमें जमीन में माइकोराइजा की कॉलोनी जो है वो डेवलप करनी है। अब जब रेगुलर यूसेज की बात आती है तो इसका जो कार्यकाल है, एक बार इस्तेमाल करने के बाद, क्योंकि इसका जो भोजन है वो आपके जड़ों से आता है, तो एक बार इस्तेमाल करने के बाद जब तक आपके जड़ वहां पे जिंदा है, जब तक आपका प्लांट जमीन में है, तब तक ये काम करते हैं।
जैसे आपने पौधा सब्जी का उखाड़ लिया तो माइकोराइजा के जो कॉलोनी है वो जितनी डेवलप हुई है वो सारी वैसी की वैसी जमीन में स्टेबल हो जाती है, जो ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाती है। लेकिन जब आप नई फसल लगाते हो तो फिर से एक बार आपको उसमें नेचर डिप का उपयोग करना होता है, ताकि जो नए जड़ नए सब्जी के है उसमें फिर से एक बार ये जो फफूंद है वो उसके बीच जाके बैठे और वहां पे डेवलप हो। तो मैं आपको सिफारिश करता हूँ रेगुलर यूसेज के लिए आपको हर एक क्रॉप में फसल की शुरुआती दिनों में इसका इस्तेमाल करना है। जब आप कंटिन्यू इसका इस्तेमाल करते हो तो जमीन उपजाऊ बनने में उसका काफी फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी। यहाँ पर एक सवाल आया है गौरव सागर जी से, जिन्होंने पूछा है कि हमारे पास बैगन का एरिया बहुत है सर, हमें बताइए कैसे यूज कर सकते हैं इस एरिया में आपका प्रोडक्ट। गौरव जी, हम बिल्कुल इस बात से सहमत है कि उत्तर प्रदेश में जो है बैगन का काफी एरिया है, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ आप ये भी जानते हो कि वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के भी काफी इलाकों में बैगन की खेती होती है। मुझे आपको बताने में बड़ा हर्ष होगा कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे किसान हैं जो इन बायोरिजनल उत्पादनों का उपाय करते हैं। हम नेचर डिप की अगर बात करें तो बैगन की खेती में ट्रांसप्लांटिंग के 20 दिन के अंदर आप 200 ग्राम प्रति एकड़ इसका उपयोग करिए। उसके बाद जब बैंगन में शूट एंड फ्रूट बोरर, तना और फल छेदक आएगा, उस वक्त आप डाइपेल जैसी जैविक जो बायोपेस्टिसाइड है उसका उपयोग करिए 300 मिली। उसके साथ आप मियोथ्रिन जैसी दवा है, उसके साथ आप सुमीप्रिम जैसी दवा है, इसका उपयोग कर सकते हो, जो फल छेदक तना छेदक को बिल्कुल मार गिरा सकता है। उसी के साथ फिर उत्पादन की बात आती है, गुणवत्ता की बात आती है, उपज की बात आती है, तो आप प्रोजिप इजी का वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। बैगन का चमकीनापन, बैगन की साइज, फूल लगना, फूल का फल में रूपांतर होना, इसमें आपको प्रोजिप इजी जो कि ऑर्गेनिक है वो काफी आपको मदद करेगा। और कुछ इस तरह बायोरेशनल प्रोडक्ट का यूज करके आप बैगन की अच्छे से अच्छी खेती वहां पे आप कर सकते हो। एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल आया है जितेंद्र यादव जी का, तो वो पूछते हैं कि What is the difference between Nature Deep and other mycorrhiza? मतलब Nature Deep और अन्य mycorrhiza में क्या अंतर है? योगेश जी बराबर नाम? अच्छा जो भी। तो सर ये क्वेश्चन पूछने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि हमारी खेती कुछ इस लेवल पे चली जाए कि हमारे किसान जागरूक बने, सवाल आवाज। तो नेचर डीप क्यों डिफरेंट है, अलग अलग दूसरे माइक्रोराइजर से क्यों डिफरेंट है? दोस्तों बेसिक डिफरेंस इसमें यह है कि इसमें दो तरह के माइक्रोराइजर आते हैं, एक होता है एंडो, एक होता है एक्टो। एंडो माइक्रोराइजर हमारे कमर्शियल क्रॉप में आपके जड़ पे ग्रो होता है, कमर्शियल क्रॉप में यानी जितने भी हमारी सब्जियां है उसमें। और एक्टो माइक्रोराइजर जो है, जो जंगल में बड़े बड़े पौधे आपको दिखते हैं 50 साल पुराने, 100 साल पुराने, 20 साल पुराने, तो उन पौधों में एक्टो माइकोराइजा डेवलप होता है, वहां एंडो माइकोराइजा डेवलप नहीं हो सकता। और हमारे सब्जियों में एक्टो डेवलप नहीं हो सकता, सिर्फ एंडो डेवलप हो सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे बहुत सारे जो मित्र कंपनी है वो एक्टो माइकोराइजा मार्केट में दे रही है, जिसका उपयोग हमारी सब्जियों की खेती में कुछ भी नहीं है, उसका कोई भी परिणाम आपको वहां दिखता नहीं है। तो सिर्फ एंडोमाइकोराइजा जो नेचर डीप में है वही आपके फसल में जो है काम करेगा। दूसरा, हम जिस इस उत्पादन को जहां से इंपोर्ट कर रहे हैं वहां पे एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी जो है, रिसर्च कंपनी, वहां पे इस मॉलिक्यूल पे काम करती है। एक एक इसमें जो स्पोर आपको दिया जाता है उसमें क्वालिटी इंश्योर की जाती है। जैसे एक बीज तभी उसको सक्सेसफुल कह सकते हैं जब वो जर्मिनेट होता है और उसका पौधा तैयार होता है, वैसे ही आपका माइकोराइजा का है। अगर आपका बीज जो है वो क्वालिटी उसमें नहीं है तो वो नीचे जाके डेवलप नहीं होता है। साथ ही साथ इसमें मार्केट का सबसे ज्यादा माइकोराइजा का परसेंटेज है, वो है 50%। तो कुछ ऐसे फर्क है बाकी लोकल माइकोराइजा में और नेचर डीप में।
इसीलिए मुझे लगता है हमारे भारत के जो किसान है नेचर डीप को ही पसंद करते हैं और ये अभी भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला माइकोराइजा है। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी। गौरव जी का एक और प्रश्न आया है जिसमें उन्होंने पूछा है लौकी में किस तरह काम करेगा। किस उत्पादन नेचर डीप के बारे में पूछा है उन्होंने, ये जो हमारे जो भी बायोरेशनल्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उन सभी में। देखिए जो लौकी लौकी है, कुकुम्बर है, इवन फ्रूट में मस्टमेलन, वाटरमेलन, मतलब सेलेनेसी जो फैमिली है, कुकुरबिटेसी जो है क्रॉप्स है, इसमें इन तीनों बायोरेशनल्स का बहुत अच्छे से आप उपयोग कर सकते हो। शुरुआती दौर में आप जड़ के और जमीन के लिए नेचर डीप का इस्तेमाल करिए 200 ग्राम प्रति एकड़। जब इन सारे फसलों में इल्ली सुंडी का बहुत अटैक रहता है तो सुंडी में आप डाइपेल का इस्तेमाल कर सकते हो 300 से, अगर टैंक मिक्स जा रहे हो तो 300 मिली और सोलो एप्लीकेशन कर रहे हो तो 700 मिली प्रति एकड़। और जब फल फूल का फल में रूपांतर हो जाता है तो फल की साइज डेवलपमेंट के लिए, क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए और उपज बढ़ाने के लिए आप 25 दिन के बाद 5 ग्राम प्रति एकड़ में इसका छिड़काव कर सकते हो प्रोजिप इजी का। और सवाल आया है जयवीर सिंह जी का जिन्होंने पूछा है कि शुगर केन में नेचर डीप का इस्तेमाल कैसे कर सकते। अच्छा, शुगर केन में बड़ा अच्छा सवाल है। शुगर केन में पिछले हम 4 साल से हमारा रिसर्च अलग अलग लोकेशन पे हो रहा है, उसमें महाराष्ट्र और साउथ के कुछ स्टेट्स इंक्लूडेड है। कि लास्ट ईयर हमने उत्तर प्रदेश में भी शुगर केन में जो है काफी ट्रायल प्लॉट डेवलप किए, तो दोस्तों बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे दिखे। क्योंकि शुगर केन में आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए, इलोंगेशन चाहिए, शुगर परसेंटेज चाहिए, उसकी विड्थ जो है, गर्थ जो है गन्ने की, वो अच्छी चाहिए। और वो तभी होता है जब आपका जड़ जो है वो उसकी कैपेसिटी अगर अच्छी है, उसकी कक्षा अगर अच्छी बनी है, तो तभी जाके गन्ने का उत्पादन आप ले सकते हो। आप सुनते हो कि कई राज्यों में 100 टन, 125 टन, 150 टन ऐसा एवरेज हम ले पा रहे, तो ऐसे कोई उत्पादन है जैसे नेचर डीप का। शुरुआत में आप 200 ग्राम प्रति एकड़ वहां पे ड्रेंचिंग करिए और 5 महीने के बाद फिर से एक बार शुगर केन में 200 ग्राम प्रति एकड़ का दूसरा एप्लीकेशन आप वहां पे कर सकते हो। इसमें आपका जड़ डेवलप होगा और जड़ डेवलप होने के कारण न्यूट्रिएंट्स का अपटेक, पानी का अपटेक बना रहेगा, जिसके आपका गन्ने के जो उत्पादन है प्रति एकड़ टनेज है वो टनेज आपको ज्यादा बैठेगा। और सबसे महत्वपूर्ण शुगर परसेंटेज जो है, शुगर कंटेंट जो है वो गन्ने में बढ़ के आपको वजन जो है गन्ने का वो काफी अच्छा आपको मिलेगा। साथ ही साथ प्रोजिप इजी का भी आप गन्ने में उपयोग कर सकते हो। बुआई के बाद पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना 12.5 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव जो है प्रोजिप इजी का आप उसमें कर सकते हो। कुछ एक प्रश्न और लेंगे, एक्चुअली इस सेशन में इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं कि छोड़ना उनको अच्छा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल हम छोड़ना नहीं चाहेंगे, जो भी क्वेश्चन है हम बिल्कुल। तो वाशु जी का एक कमेंट है, एक क्वेश्चन है कि नेचर डीप का चिली में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मुझे लगता है इसके बारे में जसपाल जी ने बड़े अच्छे से हमारे किसानों को बताया है, लेकिन हो सकता है उस दौरान वो ये ज्वाइन नहीं हुए होंगे। तो सर, जो चिली की फसल है उसमें आप 200 ग्राम प्रति एकड़ नेचर डीप का इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रांसप्लांटिंग के बाद आपको जो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको इसका उपयोग जड़ में करना है, आप ड्रिप से कर सकते हो। ड्रिप अगर उपलब्ध नहीं है तो आप ड्रेंचिंग जो है, नोजल का, पंप का नोजल जो है वो खोल के ड्रेंचिंग जो है पंप के द्वारा कर सकते हो। अच्छा, राधे जी का एक प्रश्न है जिसमें उन्होंने पूछा है कि केले की फसल में इस्तेमाल कैसे करें। बिल्कुल, नेचर डीप का और प्रोजिप इजी का साथ। उत्तर प्रदेश में जो है केले का बहुत बड़ा एरिया है और हमने केले पे इस उत्पादनों पे काफी काम किया है, जैसे मध्य प्रदेश में और जलगांव महाराष्ट्र में और कुछ साउथ के राज्यों में। तो केले की जब बात आती है तो नेचर डीप जो है ट्रांसप्लांटिंग के बाद 200 ग्राम प्रति हजारी आपको लेना है पहला एप्लीकेशन, और दूसरा एप्लीकेशन आपको जैसे ही आपका केला 6 महीने हो जाता है उसमें फिर से एक बार जो है 200 ग्राम प्रति हजार पौधा,
केले में अगर देखेंगे आप अलग अलग लोकेशन पे स्पेसिंग का अलग अलग होता है, लेकिन इन एन एवरेज 1500 से 1600 पौधे जो है प्रति एकड़ में होते हैं, तो वहां पे आपको 1000 पौधों में 200 ग्राम जो है पहला एप्लीकेशन आप जो मैंने बताया ट्रांसप्लांटिंग के 20 दिन के भीतर आप कर लो, सेकेंड एप्लीकेशन 160-170 दिन पे आप दोबारा उसका कर सकते हो। जहां बात आती है प्रोजिप इजी की, तो प्रोजिप इजी के केले में खास करके जो एक्सपोर्ट बनाना होता है, हमारे भारत में जितना भी बनाना एक्सपोर्ट होता है, ऐसे बहुत सारे किसानों ने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, प्रोजिप इजी जिसका नाम है। तो अगर आप एक्सपोर्ट क्वालिटी, चाहे आप एक्सपोर्ट करो ना करो, लेकिन एक्सपोर्ट जैसी अगर आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है तो प्रोजिप इजी से आप बिल्कुल आप कर सकते हो। इसका उपयोग आपको जमीन में केला लगा बुआई ट्रांसप्लांटिंग होने के बाद दूसरा महीना, चौथा महीना और छठा महीना 25 ग्राम प्रति 1000 पौधे आपको जमीन में इसका ड्रेंचिंग या ड्रिप से देना है, और जैसे ही केले का बंच बाहर आता है और उस वक्त आपको इस पे दो छिड़काव स्प्रे जो कहते हैं, दो स्प्रे उसमें आप कर सकते हो। 12.5 ग्राम प्रोजिप इजी 100 लीटर पानी में घोल बना के जब आपका नर फूल मेल फ्लावर जब निकल जाता है उसके बाद आप बंच पे स्प्रे कर सकते हो। पहला स्प्रे होने के 30 दिन बाद आप दूसरा स्प्रे केले पे कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी। आगे जो प्रश्न है वो मिलते जुलते से ही प्रश्न है, तो आपने लगभग सभी प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं। तो अच्छा, एक जाते जाते एक है शिवकांत जी का, उन्होंने कहा है कि डाइपल बड़ा ही अच्छा प्रोडक्ट है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश की खेती जिस वे पे बदलते हमें दिखाई दे रही है, और जिस तरह हमारे किसान बायोरेशनल्स का उपयोग करना चालू किए हैं, मुझे लगता है डाइपेल एक वरदान कहूंगा उनके लिए है। और आने वाले समय में मैं ये कहता हूँ कि हर घर डाइपेल ये जो उत्पादन है वो हमें दिखाई देगा, क्योंकि अगर खेती करनी है खास करके सब्जियों की, तो डाइपेल के सिवा हमारे पास ये सुंडियों को कंट्रोल करने के लिए फिलहाल तो कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है। डाइपेल अभी का सबसे बेस्ट उत्पादन सुंडियों के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी। तो ये थे आज के प्रश्न, और इन्हीं प्रश्नों के सभी जवाबों के साथ में आज हम ये अपना सेशन आज का समाप्त करते हैं। और उसके पहले जसपाल जी कुछ कहना चाहते हैं। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसे कई बार क्या होता है, कोई नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं, नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं, तो हमारी सोच होती है कि कंपनी हमारे घर में या हमारे खेत में आके डेमो लगाए, उसको चेक करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, कंपनी हमें डेमो का रिजल्ट दिखाएगी, फिर हम उसको यूज करेंगे। तो ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, मतलब ये नहीं हो सकता कि आपने इसका इस्तेमाल कर लिया तो आपकी फसल को कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसको परचेज करते हो, खेत लेके आते हो और फिर उसके बाद इस्तेमाल करते हो, तो इसका हम बढ़ा सकते हैं आपके यूपी में। इसका आप अपने आप ही, जैसे आपने एक एकड़ में इस्तेमाल कर लिया तो अगले साल या नेक्स्ट क्रॉप में आप अपने आप सारे दूसरे बाकी एकड़ में इस्तेमाल करोगे। तो कम से कम एक एकड़ का प्रोडक्ट आप यूज जरूर परचेज करो और अपने खेत में इस्तेमाल करो, उसके बाद आप अपने बाकी खेतों में इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप इसी ग्रुप में यूट्यूब पे भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ताकि हमारे जो कंपनी के प्रतिनिधि हैं वो उस ऑर्डर को नोट करके आप तक वो प्रोडक्ट हमारा पहुंचा सके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जसपाल जी। ये बहुत ही अच्छी बात कही है कि आज के इस सेशन से आपने जो भी जानकारी हासिल की है, अगर आपकी इच्छा है कोई भी प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए, तो कृपया कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर छोड़ें, और हम सभी आपके कमेंट्स को अटेंड करेंगे। हम लोगों का ये विश्वास हम लोग दिलाते हैं आपको कि कुछ भी आपने लिखा है या आपकी कोई भी डिमांड आई है किसी प्रोडक्ट को लेकर के, तो जरूर ही कंपनी का कोई प्रतिनिधि आपके उस डिमांड को अटेंड करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं। और जाने से पहले एक बात जो हमेशा मैंने कही है और हम सभी ने मिलकर कही है कि ये जो सीरीज है, ये जो श्रृंखला है, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, और वो ये है कि बायो रैशनल्स के बारे में
सभी किसानों को उचित जानकारी, पूरी जानकारी हो, ताकि वो उसका उचित इस्तेमाल कर सके कृषि उत्पादन को बढ़ाने में। तो ये जो हमारा प्रयास है, आप सभी के सपोर्ट से ही ये प्रयास सफल होगा, और अभी तक काफी लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है, अलग अलग देश के अलग अलग भागों से किसानों के कमेंट्स आए हैं हमें, और उन लोगों ने बहुत सराहा है इस प्रोग्राम को। तो आशा करते हैं कि आगे भी इस पूरी श्रृंखला में आप हमारे साथ बने रहेंगे, डेली कोई ना कोई प्रोग्राम अलग अलग क्रॉप को लेकर के, अलग अलग फसल को लेकर के अलग अलग जगह पे हम लोग कर रहे हैं। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बायोरैशनल से संबंधित सारी जानकारी आपको मिले, ताकि आप अपने कृषि उत्पादन को एक नया आयाम दे सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की सभा यहीं पर संपन्न करते हैं। सागर जी, जाते जाते कुछ शब्द आपके अगर हो जाएं तो। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आज हमने सिर्फ सब्जियों में बात करी है बायोरेशनल प्रोडक्ट की। मैंने देखा कि काफी किसानों ने केले के बारे में कहा, तो हमारा जो चैनल है उस पे आप जब जाएंगे, गरिमा जी विस्तृत जानकारी उसकी देंगी आपको 2 मिनट में, तो उसमें हमने केले के लिए बायोरेशनल प्रोडक्ट का क्या योगदान है और कैसे उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका पूरा एक प्रोग्राम, रिकॉर्डेड प्रोग्राम आपको वहाँ पे चैनल पे हमारे सुमितोमो केमिकल के मिलेगा। तो आप वो ज्यादा जानकारी के लिए उस प्रोग्राम को आप देखिए, और भी अगर कोई सवाल आता है तो वहां से हमें कमेंट करिए, तो हम आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रोग्राम को अभी जितने लोग देख रहे हैं, हमारे विक्रेता बंधु जितने लोग देख रहे हैं, और आगे जाके भी जितने लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे, हम बस चाहते हैं कि भारत का जो कृषि है उसमें परिवर्तन आए और अच्छी खेती हम अपने आने वाले पीढ़ी को दे, बस यही उद्देश्य सुमितोमो केमिकल का है, और उसमें आपका सहयोग हमको होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी। तो एक बार जाते जाते आप सभी को याद दिला दूं कि ये फार्मिंग ट्यूब चैनल है, यहाँ पर सारे प्रोग्राम्स जो भी हमने बायोरैशनल्स नेक्स्ट की श्रृंखला में जो भी प्रोग्राम्स हमारे आए हैं वो सभी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और अभी कमेंट बॉक्स में जो केले के जिस सेशन की बात सागर जी ने की है उसका लिंक दे दिया जाएगा, तो अगर आपको उससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो कृपया उस लिंक को क्लिक करें और पूरा सेशन देख लें, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें बायोरैशनल्स नेक्स्ट की इस श्रृंखला में, जहां पर रोज हम आपके पास अलग अलग एपिसोड्स लेकर के आएंगे जो अलग अलग फसलों पर होंगे, अलग अलग जगहों के किसानों के साथ हम जुड़ेंगे। आप सभी से निवेदन है कि हमारे साथ जुड़े रहें बायोरैशनल्स नेक्स्ट की हर कड़ी में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।